हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज है नौमी। तो मैं नौमी पूजती हूँ, अष्टमी नहीं पूजती हूँ, सीधा नौमी पूजती हूँ। तो आज है पंचक पूजा, तो उसके लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हलवा बन रहा है और चने जो है तड़का लगा दिया, और जो ये पक जाएगा चना, और आटा भी गूँथ लूँगी। रख लिया है यहाँ पर, आटा गूँथ लूँगी फटाफट से। और जो है बच्चों को 6 बजे ही मैंने बुलाया हुआ है, तो 6 बजे तक बच्चे घर पर आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है मुझे कंचक पूजा करके मेरे हस्बैंड को जाना होता है काम करने, तो उससे पहले मैं कंचक पूजा कर दूंगी फटाफट से। तो बहुत ही लेट हो रही हूँ, और जो है 6 बज जाएंगे तो बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों को भी और भी जगह जाना है, तो इसीलिए बच्चों ने बोला 6 बजे हम लोग आपके घर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना। तो मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ, और 4 बजे ही उठकर फटाफट से नहा कर और प्रसाद बनाने की तैयारी कर ली है, कर रही हूँ मैं। तो बस अभी टाइम हो रहा होगा, 5 बजे होंगे, तो बस पूड़ियाँ रह गई है बनाने को, और मेरा हलवा और चने जो है पक रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा दूँ, चने मेरे पक गए हैं, तो थोड़ा बहुत रह गया होगा कसर, तो देख लेती हूँ उसको खोल के। आटा भी मैंने गूँथ कर रख दिया, बस पूड़ियाँ बनानी है मुझे। और ये देखिए चने मेरे बन चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा और रखूँगी खुले, ऐसे खुला पकाऊँगी ताकि इसमें का जो ऑयल है वो बाहर आ जाए, चने के अच्छे से दिखने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बना लेते हैं। और आप सभी को नौमी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी कंचक बिठाया है, नौमी या अष्टमी किया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, को भी रख देती हूँ मैं। और जो है, और आप लोगों का मैंने वेलकम तो किया ही नहीं, तो वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखियो यहाँ पे जो है बेटी मेरी जो कान्हा को रेडी कर रही है, तो मैं प्रसाद बना रही, तो आज बेटी रेडी कर रही है कान्हा को नहला धुला के, तो ये वाले कपड़े पहना रही हैं। तो फटाफट से रेडी कर देंगी अच्छे से, और पता नहीं क्या कुश्ती लड़ रही हैं कान्हा के कपड़े के साथ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने प्रसाद बना लिया है, और यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही हूँ, और बेटा मेरा नंगा है तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरी बेटी ने भी वीडियो बना ली। वो जो है तौलिया लेके नहीं गया था, कच्छा पहन कर जो है आ गया। और उसके बाद मैंने चौक बना दिया है, और बेटी जो है फूलों से सजा रही है इसको, थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही है फूलों के साथ। और हस्बैंड जो है हवन की तैयारी कर रही है, लकड़ियाँ वगैरह जो है काट के रख रहे हैं छोटे छोटे से टुकड़े, ताकि जलने में आसानी रहे, और हवन की तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं हवन। और यहाँ पे मैं भी कुछ ना कुछ लेकर आ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, जिस दिन कंच का पूजा होता है उस दिन काफ़ी बिजी हो जाती हूँ, और आज मेरा व्रत ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हवन कर लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए हवन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा मुझे विधि विधान नहीं पता है पूजा के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं जानती हूँ, लेकिन मन से सच्चे मन से किया हुआ काम भगवान खुश होते हैं। तो बस यही सोच के मैं कर लेती हूँ कि जो भी दिल से काम करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, वो भगवान स्वीकार करेगा, और जो भी भूल चूक हुई है भगवान मुझे माफ़ करे। जैसा आता है, जितना आता है, मैंने उतना ही कर दिया है। तो मैं पंडित को नहीं बुलाती हूँ, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, अपने आप ही कर लेती हूँ, पंडित वगैरह नहीं बुलाती हूँ हवन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे, कंचक के आ गई थी घर पर, तो के पैर धुलाए जा रहे हैं, माता रानी घर पे आ गई हैं। तो अभी सारी माताएं नहीं आई हैं, अभी कुछ रह रही हैं छोटी माताएं, तो अभी बहुत सी जो है आना बाकी है। तो जितने आए हैं पहले उनके पैर धुला के बिठा दूंगी। तो हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही जो है एक साथ ही कंचक पूजा करते हैं, अकेली मैं नहीं करती, हम दोनों मिल के करते हैं, जो भी काम करते हैं सारा एक साथ मिलके करते हैं। तो यहाँ पे बिठा दिया है, तो काफ़ी सारे कंचक थी तो जगह नहीं था, तो मैंने बेड पे भी बिठा रखा है। जो लड़के आए थे उनको बेड पे बिठा दिया था, और लड़कियों को मतलब आसन लगा के, चादर का आसन लगा के बिछा के बिठाया था। तो ये देखिए आप लोग भी
देख लीजिए हमारे घर माताएं आई हैं इतनी सारी आज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।